जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्यूब टॉक। दोस्तों काफी सारी ओटीटी अपडेट्स का आपको इंतजार है, उनमें से कुछ अब कंफर्म हो चुकी हैं जो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में जान लेते हैं कि कौन सी ओटीटी अपडेट्स कंफर्म है जो इस हफ्ते ही आपको देखने को मिलने वाली है, क्योंकि सुबह से भाइयों आप लोगों ने मुझे ढेर सारे मैसेजेस किए हैं जिनके पास भी इनकी कंफर्मेशन आ चुकी है, और मैं ऑफिस में था आपको रिप्लाई नहीं कर पाया इंस्टाग्राम पे, लेकिन मेरे पास आज सुबह से कम 200-250 मैसेजेस आ चुके हैं, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं सैम बहादुर मूवी कंफर्म हो चुकी है। तो इसके साथ साथ और भी काफी सारी मूवी अपडेट्स की बात करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा सुन लेना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले तो दोस्तों सैम बहादुर मूवी कंफर्म हो गई है। इनफैक्ट जब ये सिनेमाज में रिलीज हुई थी 1 दिसंबर को, मैंने तभी बता दिया था कि इसका ओटीटी प्लेटफॉर्म Z5 है और इसका रिलीज जो है वो 26 जनवरी को प्लान होगा, और फाइनली अब Z5 ने भी अनाउंसमेंट कर दिया है। Z5 ने एक पोस्टर रिलीज कर दिया है जहां उन्होंने लिख दिया है प्रीमियरिंग ऑन 26 जनवरी, यानी सैम बहादुर मूवी आपको Z5 के प्लेटफॉर्म पे 26 जनवरी को देखने को मिलने वाली है, ये कंफर्म हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों एक कन्नड़ा मूवी जिसका नाम है बनारस, जिसका लोगों को बहुत ज्यादा इंतजार था, इसे भी रिलीज कर दिया गया है कल से Z5 के प्लेटफॉर्म पे। और मैं आपको ये बता दूं कि बनारस मूवी को हिंदी डब लैंग्वेज में भी रिलीज किया गया है, तो अगर आपको बनारस मूवी का इंतजार था जो कि एक्चुअली 2022 की मूवी है, फाइनली ये हिंदी डब लैंग्वेज में अब Z5 के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो चुकी है, इसे परसों रिलीज कर दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों गुजराती मूवी 3 इक्का की जो लोग वेट कर रहे थे उन्हें मैं ये बता दूं कि इसकी कंफर्मेशन भी आ चुकी है, क्योंकि जोजो की ऐप ने अब कंफर्म कर दिया है कि 3 इक्का जो कि एक ब्लॉकबस्टर मूवी रही थी गुजराती लवर्स के लिए, इस मूवी का भी 26 जनवरी का रिलीज है, यानी 26 जनवरी को आपको 3 इक्का मूवी भी देखने को मिलने वाली है, और जोजो की ऐप पे आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों जिन लोगों को एक्वामैन 2 का इंतजार है उनका इंतजार भी खत्म हो जाएगा कल सुबह से, क्योंकि कल से ये मूवी डिजिटली वीडियो ऑन डिमांड पे रिलीज होने जा रही है, लेकिन फिलहाल एक्वामैन को सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में रिलीज किया जाएगा वीडियो ऑन डिमांड पे, अभी इसे हिंदी में रिलीज नहीं किया जाएगा, और कल सुबह इंडिया टाइम जब 10:30 बजेंगे तब इसे रिलीज कर दिया जाएगा वीओडी प्लेटफॉर्म्स पे, यानी जुगाड़ प्लेटफॉर्म्स पे ये कल 11-12 बजे तक मिल जानी चाहिए आपको डिजिटल प्रिंट में। अब सवाल आता है कि हिंदी में कब रिलीज होगी, हिंदी का रिलीज जो है वो 7 फरवरी का है इसका, जब इसे बुक माई शो इंडिया में रिलीज किया जाएगा और वहां पर इसे हिंदी में भी रिलीज कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं एनिमल मूवी की जिसका आप लोगों को बहुत ज्यादा इंतजार है। तो दोस्तों मेरे पास जो अपडेट निकल के आई है वो ये है कि जो इसका कोर्ट केस चल रहा था इसके क्रिएटर्स के साथ वो अब सॉर्ट आउट हो चुका है, और अब एक नई अपडेट के हिसाब से इसके क्रिएटर्स प्लान कर रहे हैं इसके रिलीज का नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे 26 जनवरी को, लेकिन नेटफ्लिक्स इसको कभी भी कंफर्म नहीं करेगा आखिरी दिन तक। तो अगर आपको नेटफ्लिक्स की पोस्टर का इंतजार है तो फिलहाल आपको ये पोस्टर देखने को नहीं मिलेगा, आपको इंतजार करना होगा 26 जनवरी का ही। लेकिन जो न्यूज है वो ये है कि इसका एक्सटेंडेड कट रिलीज होगा जो 3 घंटे 30 मिनट का होगा, उसमें 8 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम ऐड किया जाएगा इसके रिलीज में, जहां पे आपको कुछ ऐसे सीन्स देखने को मिलेंगे जो सिनेमा में रिलीज नहीं हुए थे। तो अगर आपको एनिमल मूवी का इंतजार है तो अब हाई चांसेस बन चुके हैं कि ये 26 जनवरी को नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि नेटफ्लिक्स आखिरी तक कभी भी इन्फॉर्म इसे नहीं करता है, तो थोड़ा सा और वेट कर लो, जैसे ही मैं पक्की इन्फॉर्मेशन ले आऊंगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। काफी सारे मीडिया हाउसेस तो ऑलरेडी अब इसे कंफर्म कर चुके हैं। तो दोस्तों ये थी क्विक अपडेट जो मैंने आपको दे दी है, इसके अलावा कोई और अपडेट्स होंगी तो आपके साथ बहुत ही जल्द शेयर कर लूंगा। तो अंटिल आई गेट बैक टू द नेक्स्ट वीडियो, इट्स गुड बाय फ्रॉम ट्यूब टॉक।